भारतीय जनता पार्टी ने फुल मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उपस्थिति दर्ज कराई है। उपस्थिति ही नहीं दर्ज कराई बल्कि एक इतिहास को बनाया है, और उसके पीछे जो फैक्टर रहे हैं, कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी लंबी जो है लॉबिंग की है, उसी में से एक नाम जो है वो कौशल किशोर जी का है, जो कि केंद्र सरकार में एक बेहतरीन पद पर हैं, और इन्होंने निरंतर जो है पर्दे के पीछे और फील्ड में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियां होंगी और कैसे आगे की जो रणनीति होगी वो होगी। स्वागत है सर। प्रणाम। जो भी जिम्मेदारी जनता ने विश्वास किया हमारे ऊपर, हम लोग उनकी विश्वास पर खड़े उतरेंगे और जनता के हित के लिए काम करते आए हैं, करते रहेंगे। और मैं पूरे प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम कर रही है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबको सुरक्षित रखना और सबको संरक्षित रखना, इस तरह का काम कर रही है। लोगों को आवाज़ देगी, ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराएगी, किसी को भूखा नहीं रहने देगी और प्रत्येक घर से किसी न किसी को रोज़गार या स्वरोजगार इनको दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जिसमें यूपी का एक बड़ा योगदान होगा, और इसलिए यूपी को मजबूत करने का काम करेंगे, जिस पर विश्वास जनता ने किया है। उत्तर प्रदेश में दलित को कैसे देखते हैं आप? दलित, चूंकि इस बार दलित का वोट भी काफ़ी अच्छे मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हुआ है, इसका प्रमुख कारण क्या रहा? बहन मायावती जी का साथ अब दलित समाज छोड़ रहा है, क्योंकि मायावती जी ने दलित समाज के साथ धोखा किया, डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के साथ धोखा किया, और देखे होंगे इस चुनाव में बिल्कुल निष्क्रिय नजर आई और चौराहे पर ला करके छोड़ दिया जहाँ कोई रास्ता नहीं था। इसलिए दलित समाज धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा और बढ़ रहा है। आने वाले समय में चूंकि डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा करने का काम संत गाडगे, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि का मिशन या राम मनोहर लोहिया जी का मिशन या डॉक्टर अम्बेडकर जी का मिशन पूरा करने का काम, महात्मा बुद्ध जी का मिशन पूरा करने का काम भाजपा कर रही है, इसलिए दलित समाज जो है वो बीजेपी के साथ आके खड़ा होगा। एक अंतिम सवाल आपसे, बुलडोजर काफ़ी प्रचलित रहा उत्तर प्रदेश में, यूपी में काबा ये भी काफ़ी प्रचलित रहा, तो रवि किशन जो सांसद उन्होंने जवाब दिया था, बुलडोजर जो है काफ़ी प्रचलित रहा, तो अब क्या बुलडोजर से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को तय माना जाएगा? बुलडोजर का मतलब है कि जो लोग अवैध काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, दलाली करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, लोगों की ज़मीन पर कब्जा करते हैं और गुंडागर्दी करने का काम करते हैं, अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उन पर बुलडोजर चलना है, यानी उनको दबाना है, गुंडागर्दी का राज नहीं होने देना है, आम जनता का राज, शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था का राज होना है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और अभी आपने सुना, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी, और बहुत ही बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बातों को नेटवर्क 10 के साथ रखा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फुल मैंडेट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक उत्साह है, और उनका जो उनका कहना है कि अब जो है 5 वर्षों तक डबल इंजन की जो सरकार है वो और तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश में विकास कार्य करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रईस के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, नेटवर्क 10, लखनऊ।